आज आप लोगों को लेकर आ चुकी हूँ। इन लोग पीछे देख सकते हैं, इन लोग मार्केट में देखें कितना रश लगा हुआ है, क्योंकि हर भीड़ को लगती है। यहाँ पे काफ़ी पब्लिक आती है, यहाँ पे बहुत सस्ते दामों में मिलता है और बहुत कुछ अच्छा मिलता है। आज की वीडियो में मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी शादी स्पेशल में आप लोगों के लिए दिखाऊँ, विंटर स्पेशल्स दिखाऊँ और काफ़ी कुछ दिखाया है। वीडियो पॉइंट में जरूर देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों ये मार्केट जो है इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पास मस्जिद है, मस्जिद के ठीक सामने वाली गली में लगती है, 7 डेज लगती है। तो इस मार्केट में आप कभी भी आ सकते हो और ये ओनली फॉर वूलन, ये सीजनल होती है। जैसे अभी विंटर्स चल रहे तो यहाँ पे आपको विंटर से रिलेटेड सारी आइटमें यहाँ पे मिल जाएगी और काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं बेडशीट से, तो बेडशीट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डबल बेडशीट है, ये डबल बेड की बेडशीट है और कोई भी आप ले सकते हैं, ओपन सेल है, 250 रुपीज़। सारे कलर्स यहाँ पे मिलते हैं और काफ़ी अच्छी है, जो मार्केट में 600 से कम नहीं होगी। यहाँ पे हमारे 250 रुपीज़ में, और ये आप देख सकते हैं कंगल के हाथ में भी है, पिक एनी देम ओनली 250 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ यहाँ पे आपको ब्लैंकेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, बेबी ब्लैंकेट्स भी मिल जाते हैं, कंबल भी मिल जाते हैं। तो कंबल का जो प्राइस है यहाँ पे आपको मात्र 800 रुपये से शुरू हो जाता है और मतलब कोई भी आप पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इनका मैंने प्राइस पूछा था बेडशीट का, 250 रुपीज़ में थी, मतलब किसी भी शॉप से ले 250 रुपीज़ है। और एक का मैंने आपको साइज़ भी खोल के दिखा दिया, देखिए साइज़ और प्रिंट्स काफ़ी काफ़ी बेहतरीन साइज़ और प्रिंट मिल जाते हैं, मैंने रेंडमली उठाया था। ये जो आप ब्लैंकेट देख रहे हैं डबल बेड का, ये 1800 रुपये था, उसके साथ वाला 2000, फिर 2200 रुपये। इस तरीके से यहाँ पे क्वालिटी आ रखी थी और बार्गनिंग भी हो जाती है, तो उसकी आप टेंशन ना लें, लिटिल बिट यहाँ पे आप बार्गनिंग करके आप अपने अकॉर्डिंग खरीद भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बेडशीट की और भी लगी हुई थी, लेडी से काफ़ी ले रही थी, मैं थर्सडे वाले दिन गई थी तो भीड़ काफ़ी थी, बट फिर भी जितना मुझसे शूट हुआ मैंने आप लोगों के लिए कराया। इस तरीके के शॉल स्टॉल्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे और बेबी ब्लैंकेट्स मिल जाएंगे, मात्र 100 रुपीज़ में बेबी ब्लैंकेट है जिसके अंदर कैप भी लगी होती है बच्चों की, तो वो वाले ब्लैंकेट्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। एक मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, साइज़ वगैरह का आपको पता लग जाएगा और फैब्रिक का भी पता लग जाएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। रज़ाइयाँ भी आप लोगों को मिल जाती है, जो हल्की रज़ाइयाँ होती हैं चाइनीज़ वाली, वो आप लोगों को मिल जाती है, 2200 रुपये से यहाँ पर आपको रज़ाइयाँ शुरू हो जाती है। और इसके अलावा ये देखिए इन्होंने बिल्कुल सॉफ्ट जो होती है वो वाली रज़ाई आपको मिल जाती है 2500 रुपये में, और बार्गनिंग इसमें भी हो जाती है 100, 200, 400 रुपये। ये कितनी सुंदर रज़ाई थी, इसका प्राइस भी मात्र 2300 रुपये के आसपास था। और इसमें आपको काफ़ी सारे कलर चॉइस भी मिल जाते हैं, अगर आपको डार्क शेड चाहिए या फिर लाइट शेड चाहिए उस अकॉर्डिंग। पीछे ब्लैंकेट का साइज़ था जो 1800 रुपये से शुरू थी और क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, चाइनीज़ फैब्रिक जो रुई होती है, कॉटन होती है उसकी थी, ये काफ़ी लाइट वेटेड होती है, जैसे पहले की रजाइयाँ होती थी काफ़ी भारी, बट ये थोड़ी हल्की क्वालिटी के है। इसी के साथ में एक गली जाती है आपके राइट हैंड साइड पर, पूरी वो गली में आप लोगों को मार्केट मिलेगी, पर उससे पहले एक स्टॉल लगा हुआ था कॉर्नर पर ही, जिनके पास काफ़ी सारा मतलब मटेरियल था, तो मैंने देखा इनके पास मफलर थे, बॉयज़ गर्ल्स शॉल्स वगैरह थी, लैगिंग वगैरह थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थी। लैगिंग की बात की जाए तो 299 इस तरीके की लैगिंग थी, 250 रुपीज़ भी थी, मिक्स क्वालिटी थी इनके पास। स्टॉल्स थे और 100-100 रुपये में स्टॉल्स यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं। तो चलिए मैं अब गली में एंट्री करती हूँ, तो गली में एंट्री ही करते आप लोगों ने देख लिया होगा, स्टार्टिंग में ही यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ थी, तो थोड़ा लिटिल बिट मैंने साइड से जगह बनाई। जैसे मैंने एंटर करी तो देखा यहाँ पे सेल लगी हुई थी और काफ़ी अच्छा अच्छा मटेरियल आया हुआ था। सो गाइस एंटर करते ही शॉप थी जिनके पास कार्टिगन था फर वाला और 300 में था, काफ़ी अच्छा साइज़ था, 300 रुपीज़ के यहाँ सेल लग हुई थी, कोई भी कार्टिगन आप 300 में ले सकते हो, 250 वाले भी थे। और ये जो शॉल देख रहे हैं ये 350 में पूरा पार्टी वेयर शॉल है, कोई भी इसको ओढ़ सकता है, काफ़ी सुंदर था। और मैंने इसका साइज़ भी आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये देखिए इसका पूरा साइज़ है। और इसकी मस्त बात ये है कि 4 साइड बॉर्डर है, गर्लिश लुक भी है, मैरिड भी पहन सकते हैं कलर के अकॉर्डिंग, और आप इसको कितना भी वॉश करें कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये जो गोल्डन है इसकी बुनाई के अंदर ही आ रखा है। इसमें शेड्स आपको सारे डार्क लाइट सारे मिल जाएंगे और 300 में आप कोई भी इसमें को पिक कर सकते हैं। इसके पीछे जो कार्टिगन है ये भी 300-300 रुपये की सेल में है, 300-300 रुपये में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइंस कलर चॉइस मिल जाएगी। ये देखिए मैंने आपको 2-4 पीस दिखा दिए हैं, ये भी 250 में थे, कुछ इन्होंने सैम्पल्स डिस्प्ले भी कर रखे थे जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि यहाँ पे किस किस फैब्रिक में कौन कौन से डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। एक मैं आपको मैरून भी खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर था, शादी ब्याहों में भी आप इसको पहन सकते हैं, जैसे अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो उसमें भी हम इसको कैरी कर सकते हैं। प्राइस तो बता दो कितने कितने के हैं, प्राइस
बस 250 to 300 में आर्टिकल है ना बॉयज के भी मिल जाएंगे और ये ऊन ये वाले कोई भी 30 रुपीज होंगे ना 100 ग्राम का बोला पॉन्चू का प्राइस 35 होलसेल बाजार इंडिया इसी के साथ में एक दुकान थी जिनके पास कार्टिगन थे 300-300 रुपए में यहाँ पे कार्टिगन की रेंज थी और जैसा किसी को बेसिक लेना वो मिल जाएगा थोड़ा अगर आपको डार्क शेड्स के चाहिए व्हाइट के ऊपर कितना सुंदर लग रहा है इस तरीके के आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे सिंगल कलर्स के चाहिए सिंगल कलर्स के चॉइस मिल जाएंगे विद हैवी बॉर्डर आप देख सकते हैं सिंपल आपको चाहिए उसका साइज़ खुला हुआ था मैंने आपको दिखा दिया काफ़ी लॉन्ग था 300 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ थी इनके पास आपको कुर्तीज़ भी मिल जाती है बुलन कुर्तीज़ और 350 रुपये से शुरू हो जाती है एक मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ मैंने खुलवाया भी था देखिए भैया के हाथ में था मात्र 350 रुपये की कुर्ती है जो इनके हाथ में है स्ट्रेचेबल होती है तो ये हर एक साइज़ को ईजिली आ जाती है येलो कलर देखिए सामने रखा हुआ था जैसे कुछ लोग थर्सडे को येलो कलर की डिमांड करते तो येलो कलर इजीली यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है साथ ही साथ इसके साथ में सेम थी तो मैंने इस दुकान को कैप्चर ना करते एक सेकंड दुकान कैप्चर करी जहाँ पे आप लोगों को कैप और जुराबे वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे जो है कैप वगैरह की काफ़ी सारी वराइटीज देख सकते हैं लेडीज कैप में आपको वराइटीज मिल जाएगी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है इस तरीके की काफ़ी डिफरेंट है हेड वाला चाहिए तो देखिए आपको हेड वाला भी मिल जाएगा छोटे छोटे बच्चों के भी थे काफ़ी सुंदर सुंदर थे देखिए बॉयज़ को चाहिए तो बॉयज़ का भी आपको सिंपल मिल जाएगा 4 पैसे शुरुआत हो जाती है इनकी और बच्चों में देख सकते हैं बच्चों में भी आपको ये कानून का आता जाता है इसमें तो कानून से तो बढ़ा ही नहीं कोई इस मार्केट में आपको दिखाना ही वाले एक बार मेन फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं बच्चों की कैप सुंदर कैप छोटे वाले हैं 100 रुपीज़ इसके बाद और सारी पोस्टल की बनी थी हेड वाला मिल जाएगा काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं रेंज यहाँ पे काफ़ी सारी मिल जाती है तो एक बार जब भी आप लोग जाए तो इस मार्केट में ज़रूर घूमें काफ़ी कुछ सस्ता देखने को यहाँ पे मिल जाएगा 100-100 रुपये में यहाँ पे स्टॉल आ रखी थी जो काफ़ी फर वाली क्वालिटी होती है सॉफ्ट थी मात्र 100-100 रुपये में थी और यहाँ पे आपको इसमें काफ़ी सारे प्रिंट मिल जाएंगे जिससे मैं हर बार आपको दिखा दूँ कि टाइगर प्रिंट्स आप लोगों को मिल जाएगा उसमें भी आपको कलर्स मिल जाएगी ग्रे की चॉइस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है अगर आपको और कोई कलर चाहिए तो वो भी कलर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं 100-100 रुपये में होगी है लास्ट वीडियो में 150 रुपये था बट इस वीडियो में इन्होंने 100-100 रुपये में दिखाई है ब्लू कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो मात्र 100-100 रुपये में आप लोग कुछ भी यहाँ से पिक कर सकते हैं काफ़ी अच्छी है रीजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी है और जैकेट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी विंटेज जैकेट जिससे बोलते हैं 450-500 रुपये से शुरुआत हो जाती है बच्चों की भी आप लोगों को यहाँ पे डिज़ाइंस और छोटे बच्चों की भी मिल जाती है 450-500 रुपये और ये वाली शॉप तो मैंने अब आप लोगों को दिखाई दी है स्टॉल में यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी मिल जाते हैं बच्चों के फैब्रिक डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं इस तरीके के शॉल मात्र 300-300 रुपये के थे यहाँ पे भी लगे हुए हैं देखिए 400 रुपये से इन भैया के पास वैराइटीज शुरू हो जाती है क्योंकि थोड़े इनके पास हैवी थी भीड़ थी तो मैं शूट नहीं कर पाई आगे आपने देखा होगा यहाँ पे रश हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बुनाई का सामान भी मिल जाता है जैसे बटन सिलाई क्रोशिया वगैरह ये भी आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड पर मिल जाती है काफ़ी बड़ी मार्केट है आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों है लेफ्ट में ज़्यादा मार्केट नहीं थी तो मैंने राइट हैंड साइड मूव कर लिया जहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी और काफ़ी सेल भी लगी हुई थी तो मैं आप लोगों को दुकान भी दिखा देती हूँ और काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं यहाँ पर तो चॉइस काफ़ी ईजिली आप कर सकते हैं हर एक चॉइस यहाँ पर ईजिली मिल जाते हैं पोंचू लगा हुआ था 400 रुपये में पोंचू था 250 रुपीज़ का कार्टिगन है ये देखिए सेल लगी हुई है 250 रुपीज़ तो ट्रस्ट तो हो ही गया होगा इसमें से आप कोई भी 250 का ले सकते हैं लाइट कलर डार्क कलर और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अगर किसी को ऑफिशियल पर्पज़ से चाहिए तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी ये भी 250 रुपीज़ में था और शाइनिंग वाली ऊन थी इसके अंदर तो काफ़ी सारे डिज़ाइंस है तो अंदाजा हो गया होगा मैंने थोड़ा बाहर निकला और मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए कोई दूसरी मार्केट शूट करूँ सॉरी दूसरी शॉप शूट करूँ ये देखिए कान्हा जी के भी बने बनाए ड्रेसेस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है ऊन के साथ साथ 150 रुपीज़ 250 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस था और ये जो ऊन के गुच्छे देख रहे हैं ये 100-100 ग्राम मिल जाते एक नई ऊन आ रखी थी मोटी ऊन आ रखी थी
तो इस तरीके की भी आपको ऊन में भी यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं। अगर आपको लो क्वालिटी चाहिए लो वाली भी मिल जाएगी, अगर आपको ब्रांड में चाहिए जो खासकर वर्धमान ब्रांड काफ़ी फेमस है तो उसमें भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाती है, कलर चॉइस मिल जाती है। जो कहीं कलर नहीं मिलते वो आपको इंद्रलोक मार्केट में आपके सारे कलर्स मिल जाते हैं। इन भैया ने भी शॉल की काफ़ी सारी वैरायटीज़ लगा रखी थी और 100-100 रुपये में थी। देखिए थोड़ा टावल फैब्रिक टाइप का था, ये भी 100 रुपये था, और जो फर वाले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये भी 100 रुपये का था। सो गाइज आप लोगों ने देख लिया होगा 100-100 रुपये में भी यहाँ पे काफ़ी सारी चॉइस मिल जाती है। सो आज के लिए बस इतने ही, मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ जो मेरी आज की वीडियो का पार्ट रहा था आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई और आप मेरे यूट्यूब फेसबुक पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।